तो हेलो गाइस, ठंडी ठंडी सुबह सुबह में आपका स्वागत है। गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है आज, आप जान रहे हो। जैसे कि ये 6 तारीख और आज पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा आप जान रहे हो कि 6 जनवरी पौष पूर्णिमा को आपका पहला स्नान होता है। तो यहीं से आपके आज से ही नहान की शुरुआत हो गई है। तो हम वही चल रहे हैं, अपनी वीडियो के माध्यम से आपको लाइव दर्शन कराएंगे। और अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाए हो तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप पूरा मतलब क्या कहते हैं दर्शन कर सकते हो मेरी वीडियो के माध्यम से। और काफ़ी ज़िंदगी संघर्ष भरी आप देख रहे हो। मैं रेल की पटरियों पर शॉर्टकट से चल रही हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँच सकूँ। तो कुछ लाइनों के साथ अपनी मतलब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो भैया क्या कर रहे हैं आप इतना ऊपर? अच्छा पेंटिंग कर रहे हैं, काफी मेहनत का काम होगा। ठंड लग रही है ना भैया? बहुत ठंडी है, हम लोग भी हालत एकदम ठंडी से करा हुए। तो ये देख, आओ आओ आओ। तो गाइस आप ये जो मेरे सामने देख रहे हो शोभा यात्रा, ये भगवान बेड़ी जी की शोभा यात्रा है। और आप जान रहे हो जैसे कि आज 6 जनवरी और पौष पूर्णिमा के दिन है, और पौष पूर्णिमा से ही 6 जनवरी से पहला स्नान आपका चालू है। तो इसी उपलक्ष्य में भगवान बेड़ी जी को पूरे मतलब शहर का भ्रमण कराया जाता है भगवान बेड़ी जी को। और काफ़ी नाच गाने काफ़ी नाच गाने के साथ और नगाड़े के साथ इनका मतलब भव्य स्वागत किया जाता है भगवान बेड़ी जी को। और ये पूरे मतलब नगर नगर में बिल्कुल घुमाएंगे। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं ढोल नगाड़े के साथ। मैं ब्लॉग मतलब रेगुलर वॉच करती हूँ और इन्हीं की वीडियो देख देख के मैं देखती हूँ हाँ कि कौन सा भैया वीडियो ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, काफी अच्छा वक्त बनाते हैं पीके ब्लॉग करके हैं। शोभा यात्रा निकला है, प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन निकलता है। हाँ। भी मतलब 6 जनवरी को इस बार पौष पूर्णिमा का दिन है आज। पौष पूर्णिमा के दिन ये शोभा यात्रा निकाली जाती है जो कि नगर के देवता है बेड़ी माधव जी, तो इनको जो है कि नगर भ्रमण कराया जाता है आज ही के दिन। अच्छा। प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है, सब पुराणों में भी ऐसा लिखा गया है। अच्छा। तो उसी के क्रम में आप बेड़ी माधव जी को वहाँ से देख पा रहे होंगे, वो सामने रथ पर सवार है। थोड़ा जूम करिए इसको और सामने देखिए जो है हनुमंत लाल के द्वार में। हाँ। आई तीर्थ से आनंदित कराते हुए यहाँ पर कई ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं और तीर्थ धाम नगरी प्रयागराज में काफी पब्लिक आई हुई है। आज का ये पर्व जो है सनातन में काफी दिन में ये जाया है। ये पूर्व का दिन है, भगवान शिव और पार्वती
नारायणी सभी यहाँ उपस्थित हैं। ओमकार के लाल दत्तात्रेय महाराज शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर दशरथ प्रसाद पांडे मेरा नाम। सो आपको मैंने ये कन्या द्वारा सूचित किया, यहाँ पर ये सुशील कन्या आई हुई है। सो यहाँ मेले में हनुमान जी के दरबार में काफी भीड़ों में खड़ी हुई है। इसको मैं कुमकुम चंदन ये लगा रहा हूँ, पार्वती जी का हल्का लगा लेना। अच्छा ये राधा वाला लगा। कोई बात नहीं, आयुष्मान कल्याणम स्वस्थ जात का ये मुस्लिम है तब भी हिंदू का प्रचार ये कर रही है। भगवान इसको सत ज्ञान विद्या प्रकाशित करे, इसकी जोड़ी को आयु के कीर्तमान बनाए। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, नमस्ते। आप आरती आपकी है, आप आरती ले सकते हैं भैया। हम लोग कैसे इसको लेंगे, इसको आरती ये कन्या ले रही हैं। हाँ ऐसे करके लगाइए, मनाइए घर बर नौकरी आयु से आनंदित हों। अपने हाथ से आप इसमें दक्षिणा चढ़ा लीजिए, जो पूजे से पचास। जैसे कि आपने देखा कि आज 6 तारीख है और 6 तारीख से आपका पहला यहाँ पे, तो मतलब मैं अपना इंट्रो नहीं शूट कर पा रही हूँ। 6 तारीख है और 6 तारीख से आपका पहला स्नान शुरू होता है जिसे बौद्ध पूर्णिमा कहते हैं, और फिर ये आपका फरवरी में जाते हैं खत्म है। मुझे डेट एग्जैक्ट क्लियर तो नहीं है, फरवरी में खत्म है। ठंडी क्या यहाँ, ये बहुत बड़ा मेला है। ये मेला में ठंडी नहीं, सब गंगा मैया जमुना सरस्वती सब जो है उनका सब ठंडा दूर कर देता है। अच्छा। समझे, ऐसा गंगा मैया का कृपा है यहाँ पर। हम बिहार से आए हैं। अच्छा, बिहार से आप आए? अरे हाँ बाप, इतना दूर से आए हमने, बताइए गंगा मैया को दर्शन करने के लिए। तो देखिए भैया, जो पानी लेके जा रहे हैं वो गंगा जी का पानी है। कहाँ से आ रहे हो भैया आप? जी मैं आ रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से आ रहे हैं? बस आज के लिए आया हूँ, मेरे अच्छा, सारे ग्रुप है, मेरे दोस्त लोग आए। अच्छा दोस्त लोग आए, तो ये देखिए भैया, मतलब यंग होके भी इनकी आस्था है, मान्यता है, और बिल्कुल ये आए दिल्ली से आ रहे हैं और पानी भी अपने घर ले जा रहे हैं। तो देख सकते हो गाइज, आप लोग यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, और तो ये देख रहे हो काफ़ी वैसे ठंडा पानी है, और गाइज आज ठंडी भी बहुत है, लेकिन कहते हैं ना आस्था और श्रद्धा के आगे कुछ भी मैटर नहीं रखता है। तो सारे लोग हैं कि यहाँ पे फूल और चढ़ा रहे हैं, और यहाँ से मतलब गंगा जी जल भी अपने घर पानी लेके जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, भैया पानी ठंडा नहीं है? बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है ना। तो देखिए भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फूल छांट रहे हैं। हाँ फूल छांट रहे। अच्छा फूल वूल जो है वो आप निकाल रहे हैं? बाल बंद करेंगे, पैसा आएंगे ले लेंगे मोबाइल। भैया आप यहाँ पे क्या कर रही है? ये ड्रेस में यहाँ मैं देख रहा हूँ, ये ड्रेस में फूल माला डाल रहे हैं, गंदगी न फैलाने पाए। अच्छा ऐसा, कपड़ा न धो पाए इसमें, कुछ कचरा न डाल पाए। अच्छा ये अच्छा, यानी साफ सफाई मतलब देखने का कार्यक्रम आपका है, यहाँ कोई मतलब नदी को गंदा ना। भैया आप कहाँ से हैं? आप लोग यहीं से हैं? आजमगढ़। अच्छा आजमगढ़ के। अच्छा यानी आप कहाँ से आ रही हैं? अच्छा आप तो यहीं की। अच्छा ये माता जी हमारी राह बात की हुई है। चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। जय जय श्री राम। सब लोग नहा रहे हैं, आप वीडियो शूटिंग कर सकते हैं, आप पीछे जाइए। मुझको तो इतनी ठंडी लग रही है कि मैं क्या बताऊं, पता नहीं कैसे लोग यार स्नान कर रहे हैं इतनी ठंडी में, मुझे तो बोला नहीं जा रहा है। और आप देख सकते हो मेरी तो कुल्फी जम चुकी है।
अब मेरी एकदम बिल्कुल जम चुकी है कुल्फी। बाप रे, ओह माय गॉड, बहुत तेज हवा चल रही है, काफी मुश्किल का काम होता है यार। गाइस प्लीज, इतनी मेहनत की है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ना ठंड से बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। अब मैं बिल्कुल मास्क वास्क लगाऊंगी और मास्क लगा के ही व्लॉगिंग करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है और हालत भी एकदम हो चुकी है खराब। मेरा जाने का भी मन नहीं कर रहा है। गाइस मेरी कुल्फी जम चुकी है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही ठंडी लग रही है। हेलो पप्पू, पप्पू आप बॉम्बे से आए हो हैं? आपको पप्पू बोलू है? गाइस थोड़ा सा बैठ जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आप आके इन सबों में से पप्पू बॉम्बे आ रहे हैं। अरे बाप रे, एकदम हमारी हालत खराब हो गई थी एकदम। हाँ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं आप सब लोग, यही से तो ये देखिए हमारी ये क्या कहेंगी दादियाँ, अम्मा कहेंगी, दोस्तें कह लीजिए, कुछ भी सहेलियाँ कह लीजिए, है कि नहीं, अच्छी मिल गई हमको। तो आप लोग यही से सब लोग हैं? यही से है। अच्छा तो सब लोग मतलब ये है कि यही सामान बेचती यहाँ पे, मजबूरी है इतनी ठंडी है बेचने की है, वरना कौन अपने घर से बाहर निकलता है। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि भले ही इंसान गरीब होता है लेकिन दिल का इंसान को अमीर होना चाहिए, और ये मिसाल इन लोगों, इन लोगों ने हमें आग दी और मैं आग सेक रही हूँ। तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद हम करेंगे, अम्मा जी आप लोगों का है, बिटिया ही समान है, बिटिया समझ के बैठाई हमें आग से सिखा रही है। तो बहुत अच्छा लगा, ये होती है इंसानियत है कि नहीं अम्मा जी? और क्या, सही बात है। अरे चलना चाहे तो हम लोग आग तापते देखे, बहुत ज्यादा आग हो गई है, थोड़ा सा सावधानी से वरना जलने का खतरा भी है।